आज तुम्हारे भाई की बाइक में आ गई है एक दिक्कत। देता रहता हूँ और रेस एकदम अपने आप ब्रेक डाउन हो जाती है। फ्यूल इंजेक्टर में सफाई मांग रहा है। पता नहीं तूफान को फीवर हुआ या कोरोना वायरस। श्री राम। जय हनुमान जी। स्टार्ट करते एक बार। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल द पोपो राइडर। तो फाइनली आज तुम्हारे भाई की बाइक में आ गई है एक दिक्कत। दिक्कत ये आ रही है कि तुम्हारा भाई जैसे ही अपनी बाइक चला रहा है, देखो ये दिक्कत आ रही है कि बाइक धीरे धीरे एकदम से स्पीड लो हो जाती है। और ये दिक्कत जो मुझे लग रहा है ये जब से आई है, जब से मैंने अपनी गाड़ी का चेक किया है एवरेज टेस्ट। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तीसरे गियर में मेरी गाड़ी है। ये देखो रेस देता रहता हूँ और रेस एकदम अपने आप ब्रेक डाउन हो जाती है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसे। दो एक दिन हो गए ऐसे परेशान होते हुए, तो दैट्स व्हाई मेरे को आज थोड़ा सा टाइम मिला। देखो बंद भी हो गई, तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा आज टाइम मिला है तो मैं निकला हूँ इसे लेके कि थोड़ा सा इसे दिखाएंगे एंड चेकआउट कराएंगे। जहाँ तक मेरा जो सजेशन है, मैंने जो दिखाया है, तो मेरे को किसी ने बताया है कि आपका फ्यूल इंजेक्टर में सफाई मांग रहा है एंड जो फ्यूल पम्प होता है वो सफाई मांग रहा है। बट मेरा जो कहना है कि मैं एक बार इसे ट्राई करूँगा। मैं एक बार जा रहा हूँ पेट्रोल पम्प, मैं पहले इसको जो है फुल टैंक कराऊंगा, क्योंकि फुल टैंक कराने के बाद क्या होता है, जब आपका फुल टैंक हो जाएगा तो जब आप बाइक ड्राइव करते हो तो जो फ्यूल है वो फ्लो करता है टैंक के अंदर। तो उसके अंदर जो फ्यूल इंजेक्टर में छोटी सी एक छन्नी टाइप की कुछ होती है जाले टाइप का, तो वो ऑटोमेटिकली भी क्लीन हो जाती है। तो मैं यही ट्राई करूँगा, अगर फुल करा के हो जाता है सही तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं इसको लेके जाऊँगा मैकेनिक के पास। क्योंकि यार बाइक ऐसे चलाने में मेरे को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। देखो ये बार बार ऐसे बंद हो रही है ना यार। अपना तूफ़ान को फीवर हो गया है, ये पता नहीं तूफ़ान को फीवर हुआ है या कोरोना वायरस हो गया है। ये देखो एकदम रेस छोड़ देता है और एकदम रेस पकड़ लेता है। देखो फिर छोड़ दी, तो यार मेरे को काफ़ी बुरा लग रहा है, काफ़ी गंदा सा फील हो रहा है यार। ये क्या हो गया मेरी बाइक के अंदर, क्योंकि अभी तक आज से पहले मैंने ये वाली प्रॉब्लम कभी फेस नहीं की है। तो पहले कराते हैं इसका फ्यूल टैंक, देन उसके बाद देखेंगे कि हाँ भाई क्या होता है। देखो पहले गियर पे तो इतनी प्रॉब्लम कर रहा है कि पूछो मत। ये देखो बीच बीच में छोड़ देता है बिल्कुल पंप लेना। एक दिन मैं गुड़गांव गया अभी कल पर, देखो फिर छोड़ दिया। ये देखो काफ़ी दिक्कत हो रही है यार। मैं भी कल परसों गुड़गांव गया था, लगा लो भाई साहब, ये इतनी बार बंद हुई मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये पेट्रोल पंप आ गए हुए, पहले इसमें पेट्रोल डलवाते हैं यार। तो पहले इसका टैंक फुल कराते हैं भाई। फुल कर दो भैया। तो भाई साहब पेट्रोल हो गया है फुल, इसमें आया है कम से कम 10 लीटर पेट्रोल 900 समथिंग का। तो हे भगवान, बस अभी ठीक ठाक स्टार्ट हो जाए। तो जय श्री राम। जय हनुमान जी। स्टार्ट करते एक बार भाई। स्टार्ट तो हो गई है, चलते हैं लेके थोड़ा बाइक को और देखते हैं कि अब वो परेशानी वो झेलनी पड़ रही है मेरे को, नहीं झेलनी पड़ रही, क्योंकि वो जो परेशानी मैं झेल रहा हूँ जिस दिन मैंने एवरेज टेस्ट किया है उसके बाद से ही मेरे को ये परेशानी हो रही है। तो अभी तो नहीं हो रही मेरे को परेशानी, तीसरे गियर पे मैं आ गया हूँ। एक बार इसे पहले गियर पे डालते हैं एंड चेकआउट करते हैं। दूसरे गियर पे हूँ मैं अभी। मौसम जो है दिल्ली में भाई बड़ा गदर मौसम हो रहा है, दो तीन दिन से ठंडा मौसम हो रखा है, बारिश आने जैसी हालत हो रखी है, पर बारिश आ नहीं रही है। तो थोड़ा सा रन आउट करते हैं बाइक को, तभी पता लगेगा कि वो प्रॉब्लम है या नहीं है। तीसरे गियर पे बाइक है, देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा है, एक बार भी अभी तक रेस इसने ब्रेकआउट नहीं करी है।
एक बार मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे फर्स्ट गियर से स्टार्ट करूँ। सेकंड गियर पे है, थर्ड गियर, यानी कोई मिसिंग प्रॉब्लम अब नहीं हो रही है, यानी कि जो मैंने सोचा तरीका वो ठीक निकला। तो मेरे माइंड की भी दाद देनी पड़ेगी भाई साहब, जो मैं सोचता हूँ वो कभी कभार हो जाता है। देखो बिल्कुल सही भाग रही है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दूसरा, तीसरा, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगाना कि जब मैंने उस दिन एवरेज टेस्ट किया इसका, तो इसने सारा पेट्रोल जो है सक कर लिया पंप ने। अब पेट्रोल के नीचे वो कचरा भी जमा हो जाता है, तो उसके साथ साथ कचरा भी सक हो गया। देन मैंने दो तीन रिपेयर शॉप्स वालों को दिखाया यार, कभी कोई कह रहा है आपकी बाइक में ये इशू है, कोई कह रहा है क्लच प्लेट इशू है, कोई कह रहा है पंप क्लीन करवा लो, कोई कह रहा है ये करा लो। तो यार मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया और दो दिन से मैंने अपने तूफान को हाथ भी नहीं लगाया। बट राइट नाउ मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि हाँ यार, अगर मैं एक बार इसका फ्यूल टैंक करा के देखता हूँ, तो कि यार यूट्यूब पे आप जो चाहो वो चीज़ चेक कर सकते हो। तो मैंने काफ़ी सर्च किया गूगल पे, यूट्यूब पे, देन मैंने डिसाइड किया कि यार मैं एक बार इसका टैंक फुल कराता हूँ। अगर टैंक फुल के बाद मेरे को ये प्रॉब्लम फेस नहीं होती है, तो यानी कि फिर अपनी बाइक के पंप वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, बस वो पेट्रोल में या तो पानी है थोड़ा सा, या वो सक हो गया है कचरा इसके अंदर, जो अब बाइक फुल हो गया है टैंक, तो वो धीरे धीरे क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ से बढ़ता हूँ फिर मैं अपने घर की तरफ, तो यहाँ से घर जाऊँगा अपने, बिकॉज़ मेरा काम हो चुका है। मैं अपने घर से जल्दी से निकला था कि यार कोई और परेशानी होगी तो मैं बाहर मैकेनिक से रिपेयर करवा लूँगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तूफ़ान बिल्कुल ओके है और ये रेडी है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। और दूसरी चीज़, बारिश का मौसम हो गया और थोड़ी बहुत बारिश भी आ गई है, तो मेरा GoPro मैं यूज़ करता हूँ अपने मीडिया मोड के साथ, तो मेरे को उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है थोड़ी बहुत। तो दैट्स व्हाई अपने घर पहुँचते हैं। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई साहब आप कुछ मत करो, आप पहले एक बार उसका टैंक फुल कराओ। टैंक फुल कराने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार आप मैकेनिक को ज़रूर दिखाना, क्योंकि उसके बाद मैकेनिक आपको सजेस्ट कर सकता है कि उसमें क्या इशू है। तो अपने तूफान में कोई इशू नहीं था, क्योंकि यार मेरे को लोग बोल रहे थे कोई ज़्यादा क्लच प्लेट फूक गई है फूक गई, तो मेरे को पक्का पता था यार ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अपने तूफान की इतनी केयर करता हूँ, इतने उसे ड्राइव इतने अच्छे तरीके से करता हूँ, कोई भी गियर मैं ऐसे शिफ्ट नहीं करता जिससे उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो आप एक बार अपने आप खुद ज़रूर चेक कीजिए कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं। ठीक है गाइस, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। गुड बाय।